पूर्व मंत्री एक डेलीगेशन के साथ जम्मू कश्मीर पे गए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सर, एक डेलीगेशन को लेकर आप, 5 लोगों का डेलीगेशन गया जम्मू कश्मीर, हालात जानने के लिए, हालात देखने के लिए। क्या धारा 370 और 35 से हटने के बाद क्या माहौल आपने वहाँ पर देखा? एक जो फील्ड में जाकर हम लोग, विभिन्न जिलों में जाकर हम एक जमीनी हकीकत देखना चाहते थे, वो हम तो जाकर नहीं देख पाए। लेकिन जो संतोष का विषय है वो ये है कि वहाँ से लोग आए और भी बहुत सारे लोग हम लोगों से लगातार मिलते रहे वहाँ पर, और उनसे एक आइडिया हम लोगों को मिला कि सचमुच में हालात क्या हैं। और अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो हालात सामान्य से बहुत दूर हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं कि बाहर का जब कोई प्रतिनिधिमंडल आता है उनको आप ले जाते हैं और भारत के लोगों को आज़ाद नहीं देते, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जब यूरोपियन यूनियन का MPs का डेलीगेशन वहाँ गया तो वहाँ कंप्लीट शटडाउन था, और वो शिकारा में घूम के वापस आ गए, कोई मतलब नहीं था उस डेलीगेशन का। और वहाँ पर गए तो लोगों ने कितना एंटरटेन किया, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, लंच और डिनर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और कुछ पिट्ठू टाइप के लोगों को खड़ा कर दिया गया जो कि उनके सामने जाके बोलें कि भाई सब कुछ सामान्य है। कुछ भी सामान्य नहीं है वहाँ। जो कुछ आज के दिन हो रहा है सीधे भारत की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बीच में कोई बफर नहीं है, सारे सीधा सब कुछ वहाँ पर हो रहा है। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि 80% लोग खुश हैं वहाँ पर, हमें तो एक आदमी नहीं मिला जो खुश है, एक। और वो कह रहे हैं 80% लोग खुश है, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे थे, कश्मीर की कि अजरबैजान की। सर, एक आखिरी सवाल, संसद सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है, और विपक्ष लगातार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, और TMC ने जो अभी अनंतनाग में एक अधिकारी की, सरकारी अधिकारी और सरपंच की हत्या कर दी गई वहाँ पर, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आतंकी जो वारदात होती थी जम्मू कश्मीर में वो कम हो गई, दोनों चीज़ों कैसे रिलेट करते हैं सर? आतंकवादी अलग हैं, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वातावरण है उसके चलते छिटपुट घटनाएं ही हुई हैं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यशवंत सिन्हा, साफ तौर पर कह रहे हैं कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है, और वहाँ की आवाम ने हिंसा का रास्ता ना अपनाकर अहिंसा को अपने गले लगाया है। शायद हो सकता है कि यही एक बड़ा जवाब वहाँ की जनता का केंद्र सरकार को हो। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।